बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 53 केंद्रों पर 15,651 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,259 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,392 लोग शामिल हैं। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, एम्स, मेडिकल कॉलेज सहित सीएससी पीएससी पर बुधवार को कुल 15,651 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने बताया कि जनपद में अब तक 18,50,000 के ऊपर नागरिकों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें पहला डोज लेने वालों में 15,28,000 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,40,000 से ऊपर लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं तथा मास्क का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जिले में 53 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, और इसके साथ साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स और हमारे सभी जिला अस्पताल, हमारे दोनों जिला अस्पताल महिला पुरुष और हमारे सभी सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, अभी तक जनपद में कितना वैक्सीनेशन? अभी तक हमारे जनपद में टोटल डोज जो है 18,50,000 से ऊपर का वैक्सीन हो गया है, उसमें से पहला डोज जो है 15,28,000 से ऊपर का है और सेकेंड डोज जो है 3,40,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन हो चुका है। जनता से अपील है कि कोविड वैक्सीनेशन सभी जगह चल रहा है और अपनी बारी का समय का इंतजार करें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है, लेकिन भीड़ भाड़ से बचना है। जिस भी बूथ पर ज़्यादा भीड़ है तो उस दिन ना करा के दूसरे दिन कराएं। वैक्सीनेशन सबको होना है, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, सबको वैक्सीन लगेगी। साथ साथ बाहर निकलें तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें।